क्या साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है? सब कह रहे हैं जी हाँ जरूर, और आप खुद फर्क देख सकते हैं। ये वो टीम है जो भारत के खिलाफ जनवरी 2024 में टेस्ट सीरीज खेली थी, और ये वो टीम है जो फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही महीने के भीतर पिछले सीरीज में के सिर्फ दो ही खिलाड़ी यानी कि कीगन पीटरसन और डेविड बेडिंगहम अगले सीरीज में क्यों खेल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के बड़े नाम के स्टार खिलाड़ी जैसे मार्करम, रबाडा, मार्क यांसन और बबूमा, इनमें से किसी का भी नाम न्यूजीलैंड के दौरे के टीम में नहीं दिख रहा? क्या इन खिलाड़ियों का टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ? तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जिन खिलाड़ियों को आप टेस्ट क्रिकेट के लिए संपर्क करना चाहते हैं, वो फिलहाल T20 खेलने में व्यस्त हैं। जी हाँ, ये सभी स्टार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेल रहे हैं। लेकिन क्या T20 खेलना टेस्ट खेलने से ज्यादा जरूरी है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कुछ ही देर में। तो साउथ अफ्रीका फरवरी 2024 में टूर कर रही है न्यूजीलैंड को, जहां पर वो खेलेंगे दो टेस्ट मैचेस की सीरीज, और उनकी 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में से 7 खिलाड़ी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इस स्क्वाड में से सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है पेस बॉलर डुआने ओलिवर, जो सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और सामने की टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी है केन विलियमसन और टिम साउदी, जो कि 96 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम का कुल मिलाकर अनुभव अगर हम देखें तो वो है 51 टेस्ट मैचेस का। यानी कि इस न्यूजीलैंड का सिर्फ एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका की पूरी टीम पर भारी। साउथ अफ्रीका के कप्तान नील ब्रांड खुद इस सीरीज में डेब्यू करने वाले हैं, पर आपको लगता होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उनकी ये टीम देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं की होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड में जीतने का जादुई नुस्खा पता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में जाकर एक भी बार टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। साल 1932 से 2022 के बीच साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम 17 बार न्यूजीलैंड टूर कर चुकी है, उसमें से 13 बार साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा चुकी है और सिर्फ 4 बार सीरीज ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में एक भी बार जीत नहीं पाई है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ज्यादा मुश्किल में कौन है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? ये तो वक्त ही बताएगा, और मुझे तो लगता है कि ये इन दोनों के बीच खेले जाने वाली सबसे रोमांचक टेस्ट सीरीज होगी। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे रिकॉर्ड्स के चलते साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हल्के में ले रही है और स्टार खिलाड़ियों को टेस्ट टीम के बाहर रख रही है? जो टीम पिछली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के इतने नजदीक थे, क्या वो टीम इस बार कोशिश भी नहीं करना चाहेगी? लेकिन दोस्तों, आप इस सब के पीछे की सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल सच्चाई ये है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट मुसीबत में है, और अभी जैसा चल रहा है वैसे ही कुछ साल और चलता रहा तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट खत्म होने की कगार पर होगी। बीतते हुए वक्त के साथ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड दलदल में ढसता जा रहा है। हर साल साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड 47 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाता है। इनका क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड से भी कम कमा रहा है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तुलना में भारत का क्रिकेट बोर्ड BCCI हर साल लगभग 50 गुना ज्यादा कमाई करता है। क्रिकेट स्पोर्ट साउथ अफ्रीका में काफी प्रसिद्ध खेल है, और इस प्रसिद्धि के हिसाब से साउथ अफ्रीकन बोर्ड की कमाई बहुत ही कम है। इस मुसीबत को सुलझाने के लिए साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने खुद की T20 लीग शुरू करने का निर्णय लिया है। इस T20 लीग से साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड 71 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाता है, जो कि एक मुसीबत में फंसे क्रिकेट बोर्ड का सहारा बन चुका है। दर्शक इस T20 लीग के साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ियों को देखना पसंद करते हैं, जिससे इस लीग को प्रसिद्धि मिल रही है, और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाने के लिए इस मौके को कतई ही छोड़ना नहीं चाहेगी। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, लेकिन इस साउथ अफ्रीकन T20 लीग के कारण अनजाने में ही साउथ अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट का मजाक बन गया है। क्या इस कम अनुभवी साउथ अफ्रीका के टीम के सामने न्यूजीलैंड पहली बार घर पे टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका जकड़ सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।